सभी को कार्तिक मास की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए कार्तिक मास के सत्यनारायण पूजा का आनंद लेते हैं। नारायणं निराकारं नर वीरं नरोत्तम नरसिंहं नागनाथ च त्वं वंदे नराकांतकम्। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणे नमः, नारायणे नमः। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रव शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पंच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से सब बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विख्यात तत्वदर्शी थे वे, नाना विषयों के ज्ञाता थे, रोचक पुराण कथाओं के अति ही प्रवीण विख्याता थे। नित धर्म शास्त्र के गूढ़ तत्व सबको समझाया करते थे। यम नियम सहित वे सब साधन गाया बतलाया करते थे। अविवक्त यतन सब कुछ ना मिला, सब सोच समझकर हार गए। वैकुंठ लोक में तब नारद वैकुंठ नाथ के द्वार गए। भगवान विष्णु समय दिव्यासन पर शोभा पाते थे। सनिकट खड़े जय विजय उच्च स्वर से जयकार सुनाते थे। वामांग में श्री कमलापति के कमलाश्री शोभा पाती थी। श्रद्धा निष्ठा के हाथों से पद पदम दबाती जाती थी। सम्मान सहित श्री नारद को आसन पर अपने ले आए। पुनी कुशल पूछ कर मंद मद आनंद कंद कुछ मुस्कुराए। नारद के मन की गुप्त बात यद्यपि वे जान गए सारी, तो भी मर्यादा निभाने को बोले प्रिय वाणी सुखकारी। देव ऋषि आप हैं सर्व पूज्य, हरि भक्त और योगेश्वर हैं। उपकार और का करने में रहते सदैव ही तत्पर हैं। वैसे तो मरने जीने का रहता नित गमन आगमन है, करते जो पर उपकार सदा उनका ही जीवन जीवन है। संसार वासियों के हित का जो यतन आपने पूछा है प्रकृति आपकी अति उदार और भाव आपका ऊंचा है। जब भी चाहे ये कार्य करें सब तिथियां उत्तम कहलाती। फिर भी संक्रांति पूर्ण मासी है परम पुनीत गिनी जाती। तिथि कोई सी भी हो इससे कुछ अधिक बनाव बिगाड़ नहीं, पर किया धरा सब निष्फल है यदि मन में सच्चा भाव नहीं। ऋषियों में जैसे व्यास देव सर्वपरि माने जाते हैं, देवों में त्यों ही सत्य देव आसन और आदर पाते हैं। अतएव सत्य नारायण के व्रत पूजन का निश्चय कर लो, उन पर ही एक भरोसा कर अपना जीवन निर्भर कर लो। वह कैसा भी भीषण संकट हो इस पूजन से मिट जाता है। जो जन्य सत्य व्रत रखता है अक्षय रिद्धि सुख वो पाता है। मन में संकल्प किया उसने मैं अधिक नहीं खोऊंगा, आज ही सत्य नारायण के पूजन में तत्पर होऊंगा। ऐसा निश्चय कर शतानंद भिक्षा लेने जब जाता है, तब अनन्यास थोड़े श्रम से अत्यधिक अन्न धन पाता है। भगवान सत्य नारायण की महिमा सब कुछ कर सकती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है।
देखा उसने वो शतानंद है, पूजन में तत्लीन हुए, परिपूर्ण ध्यान में बैठे हैं, सुख आसन पर आसीन हुए। उनको समाधि में मग्न देख वो बैठ गया उत्कंठा से। जब शतानंद जी जागे तब पूछा उसने कोमलता से। खाकर प्रसाद और जल पीकर उत्साह सहित वह खड़ा हुआ, बलहीन हृदय छोटा उसका नूतन बल पाकर बड़ा हुआ। वो शतानंद से विदा हुआ पक्का विचार मन में करके, सब मूल्य आदि का लकड़ी का वह कर दूंगा मैं पूजन में, ऐसा विशुद्ध संकल्प किए वह नगर हाट में गया। तभी दुगने दामों की खड़ी खड़ी लकड़ी उसकी बिक गई। तभी तब संग्रह कर सामग्री सब आदर समेत सत क्रिया सहित श्रद्धे सत्य नारायण का व्रत पूजन उसने किया मुदित। बोलो श्री सत्य नारायण भगवान की जय। व्रत के समय कृपालु के मिला उसे आनंद, शोक मिटा संकट हटा कटा कलेश का फंद। तुझ लक्कड़ हारा नीरा नीच वंश का हीन, सत्य देव की भक्ति से हुआ सौभाग्यशालीन। उत्तम कुल संपत्ति का वहां नहीं कुछ काम, सच्चे अंतर्भाव के भूखे हैं भगवान। ये सुनकर उल्का मुख बोले हे साधु पूछते हो तुम क्या, इस पूजन का सम्यक प्रकार वर्णन कर सकते हैं हम क्या, जिनका ये पावन पूजन है, जिनका ये पावन पूजन है वे सत्य देव परमेश्वर हैं, मन वांछित फल देने वाले सर्वेश्वर हैं, विशेश्वर हैं। इनका पूजन वह पूजन है जो चार भांति के फल देता, वह दर है उस भंडारी का फल के बदले सत फल देता। श्री सत्यदेव की महिमा से संत सुख यदि मैं पाऊंगा तो निश्चय ही होकर सनात उनका विशुद्ध यश गाऊंगा। मेरे घर में यदि कन्या भी हो जाए यदि किसी अवसर पर तो समारोह के साथ करूं यह पूजन में तन्मय होकर। अनुमान मुझे ये होता है हम पर जो संकट आया है सो सत्यदेव प्रति किए हुए अपराधों का फल पाया है। पर सूना है तन रोगी है हम दोनों कितने दुख में हैं, वे उधर न जाने कैसे हैं, संकट में हैं या सुख में हैं। बेटी इस कठिन यंत्रा से अब छूटने का जो साधन है वो सत्यदेव का भक्ति युक्त पूजन वंदन आराधन है। उस दिन से निवकार वित हो करके संकल्प सत्य मन में, माता और कन्या लीन हुई श्री सत्य देव के पूजन में। अबलाओं ने जब भक्ति सहित विधि सहित किया पूजन हरि का, तब सत्य लोक में एक दिवस डगमगा उठा आसन हरि का। उस युक्ति के उस वृद्धा के अनुनय से प्रभु लाचार हुए, अबलाओं का दुख हरने को प्रस्तुत हरि करुणागार हुए। श्रद्धा की निर्मल आंखों से प्रभु को जब फिर कर देखा तो उसी वेश और वाणी में इस वृक्ष तले बैठे देखा। बस तभी दौड़ वे दोनों भक्त चरणा रमंदर से चिपट गए। हटता है नहीं हटाए ये जब जीव ब्रह्म से लिपट गए। नारायण ने जैसे तैसे उनको समझाकर शांत किया, फिर लज्जित करते हुए वहीं और प्रेम सहित से ज्ञान दिया। तुम अपने मन से न्याय करो, प्रण तुमने पूजन का करके पूरा न किया, इस दिन तक भी टाला ही बात बना करके। फिर बंदी गृह से छूटे जब तब भी तो चेत नहीं आया, नारायण के निमित्त कुछ भी वह करना तुम्हें नहीं आया। पुनि मिथ्या बोले नौका में बस घास फूस ही बतला कर, सचमुच तुम धर्म विवेकहीन हो गए बहुत साधन पाकर। है आप दुरंदर शक्तिमान मैं मां तुझ अज्ञानी हूँ, है नहीं विशुद्ध बुद्धि मेरी अविवेकी हूँ अभिमानी हूँ। हे प्रभु आपकी महा प्रबल ये महामोहिनी माया है, पर मादि देवों को जिसने कितनी ही बार भुलाया है, जब बड़े बड़े देवों को भी ये माया नाच नचाती है तब हमसे तुच्छ मनुष्यों की मति ठीक कहाँ रह पाती है। मैं फंसा हुआ था माया में इसलिए मुझे निष्ठा न रही, जगदीश आपके पूजन की इच्छा न रही, श्रद्धा न रही।
अब तक जो बीती सो बीती है, अपराध क्षमा अब कर दीजिए मुझको, अपना जन दीन ज्ञान जान प्रभु विमल भक्ति का वर दीजिए। अब से वो कृपा कृपा निधि हो, मैं रहूं नाथ का अनुरागी, माया के फंदे में फंसकर फिर बनू ना दुख का भागी। श्री सत्यदेव के शुभ पूजन को छोड़ अधूरा ही, झटपट पति से मिलने को वह खुद भी जा पहुंची सरिता के तट पर। तुम सत्यदेव का धैर्य सहित पूजन वंदन करती रहना, चंचल होकर नारायण का उपचार अधूरा मत रखना, मत जाना छोड़ प्रसाद, मत जाना छोड़ प्रसाद। भगवान सत्य नारायण का जब इस प्रकार अपमान हुआ, तब उनकी माया के द्वारे कन्या को विपत्ति विधान हुआ। इस घोर कलेश के अवसर पर लाला ने क्षणिक विचारा, जब भगवान सत्य नारायण को मन ही मन खूब पुकारा, जब तब उसी समय नव मंडल से वाणी से दिव्य हुई सत्वर, हे साधु तुम्हारी ये कन्या आई है घर पूजन तजकर। घर पर आकर बारंबार संचय विमुक्त निर्मल मन से श्री सत्य देव का व्रत पूजन सानत लगे करने मन से। पूजन फल से निज जीवन में वे रहे सदा ही, सुख पाकर संसार त्याग कर अंत समय वैकुंठ लोक पहुंचे जाकर। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मूर्छावस्था में राजा ने ये सुना कि कोई कहता है, राजन ये कठिन वेदना का जो सूत्र इस समय बहता है, ये सब संताप तुम्हारी ही अविवेक मूर्खता का फल है। तुमने कुछ किया विचार नहीं, चित बड़ा तुम्हारा चंचल है। वन में ग्वालों का दिया हुआ तुमने प्रसाद जो छोड़ा है, बस उसी पाप के कारण से सुख ने तुमसे मुख मोड़ा है। वो सत्य देव का था प्रसाद जो उचित तुम्हें ले लेना था, ग्वालों की जाति हीनता पर बिल्कुल भी ध्यान न देना था। जो बड़े आदमी छोटों से बचते अथवा चाहते हैं, वे ईश्वर के न्यायालय में अपराधी पाए जाते हैं। अपना कल्याण चाहते हो तो इसी समय वन में जाओ, उन ग्वालों को आदर समेत घर से उनके फिर बुलाओ। उनके संग सत्य देव का फिर ये पूजन जमी करोगे तुम, बस तभी कलेश मिट जाएगा, पुत्रों को फिर पाओगे तुम। सुनकर ऐसे कथन को राजा हुए सचेत, वन में ग्वालों को लिया बुलावा प्रेम समेत। सत्यदेव की भक्ति से पूजन किया पुनीत, मांगी पापों की क्षमा हो अत्यंत विनीत। पूजन के उपरांत जब घर आए, देखा अपने पुत्र सब जीवित पाए। इस प्रकार कह कथा को हुए सूत जी शांत, शौन कादि गदगद हुए सुनकर ये दृष्टांत, सुनकर ये दृष्टांत। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री सत्यनारायण नमः। धन्यवाद।